किशनपुर गांव में आंचल नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ की बहुत समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसके पिता ने हेमलता से दूसरी शादी कर ली थी। आंचल के पिता लखन को लगा कि आंचल की नई माँ आंचल को बहुत प्यार से रखेगी, लेकिन हेमलता ने लखन से केवल उसके पैसों के लिए ही विवाह किया था। एक दिन लखन की बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हुई, लेकिन हेमलता ने उसकी अच्छे से देखभाल भी नहीं की, जिसकी वजह से लखन की भी मृत्यु हो गई। लखन और हेमलता की एक बेटी भी थी। आंचल दिखने में बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन शिवानी इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए शिवानी हमेशा आंचल को परेशान करती रहती थी और दोनों माँ बेटी मिलकर उससे सारे घर के काम करवाते थे। घर का काम कब करेगी और खाना कब बनाएगी? माँ, मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब है, ऊपर से आज बर्तन बहुत सारे थे, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। बर्तन धोने के बाद मैं फटाफट घर का सारा काम कर लूंगी और उसके बाद खाना भी बना दूंगी। तबीयत खराब तो तेरा बहाना है काम ना करने का, तुझे अच्छे से जानती हूँ मैं। तेरी माँ भी तेरे जैसी ही होगी कामचोर। मेरी बेटी को भूख लगी है, समझी? जल्दी से जाकर उसके लिए कुछ खाने को बना। जी माँ। आंचल पर दोनों माँ बेटी मिलकर ऐसे ही जुल्म करते थे और जो बचा कुचा खाना बचता था आंचल को वही खाना पड़ता था। उस दिन आंचल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सारा काम खत्म करने के बाद आंचल अपने कमरे में उदास बैठकर अपनी माँ को याद कर रही थी। नई माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और आपको भी पसंद नहीं करती। जब आप मेरे साथ थी तो आप मेरा कितना अच्छे से ध्यान रखती थी, आप कहाँ चली गई माँ? ऐसे ही दिन बीतते गए। हेमलता और शिवानी दोनों किसी न किसी बहाने से हमेशा आंचल को परेशान करते रहते थे। एक दिन हेमलता और शिवानी शॉपिंग करने जा रहे थे। आंचल, जल्दी से जाकर शिवानी को तैयार कर दो, हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। जी माँ। आंचल शिवानी को तैयार कर देती है। घर से निकलते समय शिवानी अपनी माँ से कहती है, माँ इस मनुष्य पर भरोसा मत करना, रसोई में बहुत सारे काजू बादाम रखे हैं, कहीं ये सब खा ना जाए, इसलिए जाकर आप रसोई घर में ताला लगा आइए। तू सही कह रही है बेटी। उसके बाद हेमलता रसोई घर में ताला लगाकर शिवानी के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। शॉपिंग करने का कभी कभी मेरा मन भी करता है, लेकिन माँ मुझे लेकर ही नहीं जाती। आंचल अकेली बैठी थी कि तभी फोन बजता है। आंचल फोन उठाती है। हेलो, क्या मैं मिस आंचल से बात कर रहा हूँ? जी, आप कौन? मिस आंचल, बधाई हो, आप पूरे 10,000 रुपए जीत गई हैं। क्या कहा, 10,000 रुपए? लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जी, मैं फैशन डिजाइनिंग अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। 4 महीने पहले हमने आपके गांव के बाजार में एक प्रतियोगिता रखी थी। इस प्रतियोगिता में वेस्ट मटेरियल से ड्रेस बनानी थी, क्या आपको याद है? आप अपने हाथ में सब्जियों का थैला लेकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने आई थी। इस प्रतियोगिता के परिणाम आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फर्स्ट प्राइज जीत चुकी हैं। आंचल ये सुनकर बहुत खुश हुई। जी जी, मुझे याद है, अब आप ये बता दीजिए कि मुझे मेरा इनाम कैसे मिलेगा? आप घर आकर देंगे या मैं खुद आकर ले जाऊं? आपको ही आना पड़ेगा, मैं आपको एड्रेस बता देता हूं, उसी एड्रेस पे आप कभी भी आ जाना। उसके बाद आदमी आंचल को एड्रेस बताता है। फोन रखने के बाद आंचल कहती है, यही अच्छा मौका है, माँ भी घर पर नहीं है, माँ के आने से पहले ही मैं जाकर अपने 10,000 रुपए ले आती हूँ। उसके बाद आंचल उस एड्रेस पर जाकर अपने नाम के 10,000 रुपए ले लेती है। घर आते समय वो अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद कर लाती है। सिलाई करना तो मेरा शौक है और मुझमें हुनर भी है, यह हुनर मुझे मेरी माँ से मिला है, पर मेरे पास सिलाई मशीन ही नहीं थी, लेकिन आज मैं सिलाई मशीन भी ले आई, अब मैं जैसे चाहूँ वैसे कपड़े सिल सकती हूँ। उसके बाद आंचल अपनी मशीन पर कपड़े सिलने लग जाती है। कुछ ही समय में आंचल एक बहुत सुंदर गाउन बनाती है। इतने में ही उसकी माँ और बहन शॉपिंग करके घर लौटते हैं। सिलाई मशीन देखकर उसकी माँ कहती है, बाप रे बाप, इतनी महंगी सिलाई मशीन तुझे किसने लाकर दी? आंचल सोच में पड़ जाती है कि वो अपनी माँ को क्या कहे। वो हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ, वो मैंने एक कॉम्पिटिशन जीता था तो यह मशीन मुझे वहाँ से इनाम के रूप में मिली। सुन रही हो माँ, हमारे पीठ पीछे ये महारानी घूमने फिरने और अपना इनाम लेने चली जाती है। नहीं नहीं छोटी, वो घर पर आकर ही सिलाई मशीन दे गए थे। तभी शिवानी की नज़र उस सुंदर गाउन पर जाती है। वाओ, कितना सुंदर गाउन है। अब ये गाउन मेरा है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं छोटी, जो मेरा है वो तेरा ही तो है, तू इसे रख ले। लेकिन जो मेरी बेटी का है वो तेरा बिल्कुल नहीं है,
आई बड़ी सिलाई करने वाली महारानी, जाकर कुछ काम कर। अगर घर के काम में मन लगाएगी तो मैं भी तुझसे खुश रहूंगी। जी माँ। समय बीतने लगता है। पड़ोस के लोगों को जब आंचल की सिलाई मशीन के बारे में पता चलता है तो आंचल के पड़ोसी आंचल से कपड़े सिलवाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आंचल से अब गांव के बहुत सारे लोग कपड़े सिलवाने लगे। इन सब से आंचल को बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन वो सारे पैसे उसकी माँ छीन लेती थी। घर के काम के साथ साथ आंचल लोगों के कपड़े भी सिला करती थी। ऐसे ही एक दिन हेमलता आंचल के पास आकर बोली, कितने पैसे हुए तेरी सिलाई के? जितने भी पैसे बने हैं ला सारे मुझे दे दे। आंचल थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से कहती है, लेकिन माँ मैं इतनी मेहनत से लोगों के कपड़े सिलती हूँ और बिना कुछ कहे आपको सारे पैसे दे देती हूँ, इसलिए अब मैं अपनी सिलाई के पैसों में से आपको सिर्फ एक चौथाई भाग ही दूंगी। यह सुनकर हेमलता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या कहा, जुबान लड़ाने लगी है मुझसे? सिलाई करने लगी है तो खुद को क्या मास्टरनी समझ रही है? रुक जा, तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ। यह कहती हुई हेमलता आंचल की सिलाई मशीन को तोड़ देती है। पैसे कमाने लग गई है इसलिए तुझे घमंड हो रहा है, अब तेरा घमंड मिट्टी में मिल गया होगा। इतना कहकर हेमलता वहाँ से चली जाती है और आंचल अब अपनी टूटी हुई सिलाई मशीन के सामने बैठकर रो रही होती है। मैंने क्या गलत किया था जो मुझे यह सब देखना पड़ रहा है? ऊपर वाला मुझे किस बात की सजा दे रहा है? माँ मुझे भी अपने साथ ले जाओ। कुछ देर बाद आंचल के कमरे में रोशनी बढ़ जाती है। आंचल का ध्यान सिलाई मशीन से हटकर रोशनी पर चला जाता है। अचानक मेरे कमरे में पहले से ज्यादा उजाला कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा। तभी आंचल को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, बेटी मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ इसलिए तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती, और तुम्हें अपने साथ ले जाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। आंचल अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही खुशी से चारों ओर देखने लगती है। माँ कहाँ हो आप? बहुत आँख में चोली खेल ली मेरे साथ, अब बस सामने आ जाओ ना माँ। तभी आंचल के सामने उसकी माँ एक परी के रूप में प्रकट होती है। माँ को परी के रूप में देखकर आंचल बोलती है, माँ आप इस परी के रूप में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ बेटी, मरने के बाद मैं एक परी बन चुकी हूँ। तू मुझे दिल से दिन रात याद करती थी, इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे तुझसे मिलने का एक मौका दिया है। उसके बाद आंचल अपनी माँ के गले लग जाती है। मैं जानती हूँ बेटी कि तू बहुत तकलीफ में है, तेरी दूसरी माँ ने तेरी सिलाई मशीन भी तोड़ दी। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तेरे पिता को अपने मरने के बाद दूसरी शादी करने को कहा। मुझे नहीं पता था कि वो तुझे इतना दुख देगी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए परी माँ अपने जादू से टूटी हुई सिलाई मशीन को जोड़ देती है और कहती है, अब जल्दी से खुश हो जाओ। अरे वाह माँ, मेरी सिलाई मशीन तो जुड़ गई। नहीं बेटी, तुम्हारी सिलाई मशीन अब भी टूटी हुई है, लेकिन यह सिलाई मशीन जादुई बन गई है, इसलिए ये सबको जुड़ी हुई नजर आएगी। कोई फायदा नहीं माँ, वो आकर इसे फिर तोड़ देंगी। चिंता क्यों करती हो, ये मशीन अब जादुई बन चुकी है। इस मशीन से तुम्हें सिलाई करने में आसानी होगी, और कोई भी इस मशीन को तोड़ने की कोशिश करेगा तो ये मशीन उसे खुद ब खुद सजा देगी। मशीन तोड़ने वाली की अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या सच में? आप बहुत अच्छी हो माँ। बेटी अब मुझे जाना होगा, मैं चलती हूँ, पृथ्वी लोक पर रहने का समय अब खत्म हो चुका है। आंचल अपनी माँ को नम आँखों से विदा करती है। अगले दिन उसकी सौतेली माँ आकर देखती है कि उसकी सिलाई मशीन फिर से जुड़ गई। मैंने तो तेरी सिलाई मशीन तोड़ दी थी, फिर ये वापस कैसे जुड़ सकती है? जरूर तूने पहले से दो सिलाई मशीन खरीद कर रखी होगी और मुझसे छुपा दी होगी। कोई बात नहीं, मैं इसे भी तोड़ दूंगी। नहीं माँ, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे धमकी देती है, रुक अभी। इसके बाद हेमलता सिलाई मशीन को तोड़ने के लिए अपनी बेटी शिवानी से एक हथौड़ा मंगवाती है और उस हथौड़े से मशीन पर जोर से वार करती है। मशीन पर वार करते ही हेमलता को जोर से करंट का झटका लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। माँ ये क्या हो गया आपको? जरूर इस आंचल ने कुछ किया होगा, तेरी मशीन को तो मैं अपने हाथों से खुद तोड़ूंगी। ये कहती हुई शिवानी भी उस मशीन पर वार करती है और उसकी माँ की तरह शिवानी को भी जोरों का झटका लगता है। मैंने आप दोनों से कहा था कि ऐसा मत कीजिए, अब आपने देख लिया इसका अंजाम। अब आगे से मेरी मशीन को छूने की हिम्मत मत करना, वरना अगली बार इससे भी तगड़ा झटका लगेगा। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी ने आंचल के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। अब दोनों आंचल से घर का काम भी नहीं करवाती थी और उसे खूब गर्मा गर्म खाना परोसती थी।
आंचल मन ही मन सोचती थी, मैं चाहती थी इन दोनों के मन में मेरे लिए प्यार हो, लेकिन ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। डर से ही सही, लेकिन अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार तो करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर।